नमस्कार, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं ढाका न्यूज। आज बात होगी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गुलाबों सितारों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिनेमा घर बंद होने की वजह से बहुत सारी मूवीज की रिलीज जो है रुकी हुई है, लेकिन इसी बीच गुलाबों सितारों OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ आयुष्मान खुराना नजर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फिल्म गुलाबों सितारों कैसी रही। हॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और एक्टर आयुष्मान खुराना स्टार फिल्म गुलाबों सितारों रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में लखनऊ के रहने वाले एक मकान मालिक और एक किरायेदार की कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस कहानी में किरायेदार और मकान मालिक के बीच हल्की लड़ाई दिखाई गई है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन 78 साल के मिर्जा का रोल अदा कर रहे हैं, जबकि फिल्म में आयुष्मान खुराना किरायेदार बांके का रोल प्ले कर रहे हैं। 2 घंटे 4 मिनट की ये फिल्म आपको हंसी के साथ कहीं कहीं पर भावुक भी करती है, और यह फिल्म बांके और मिर्जा जैसे दोनों मूल के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ये दोनों ही फातिमा महल में रहते हैं। फातिमा महल 100 साल से अधिक एक पुरानी हवेली है जो मिर्जा गालिब की बेगम के नाम पर है। यहाँ कहने को तो कई परिवार रहते हैं, लेकिन मालिक सिर्फ एक ही है, मिर्जा, और बाकी के यहाँ सभी किरायेदार हैं, और किराए के नाम पर वो मिर्जा को 20-30 रुपए ही देते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल बाकी का है। ये जनाब किराया भी नहीं देते हैं और हवेली को अपनी जागीर समझते हैं। इसी से तंग आकर मिर्जा हवेली में रहने वाले बाकी सहित तमाम किरायेदारों को बाहर निकालने के अजीब अजीब तरीके निकालता रहता है। वो इस लड़ाई में इतना अंधा हो जाता है कि हवेली को बेचने तक का प्लान बना लेता है, लेकिन यहाँ पर बाकी अपना तिकड़म लगाता है और हवेली को पुरातात्विक स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित करवाने की फिराक में लग जाता है। अब यहाँ पर फंडा सीधा है क्या कि अगर ये हवेली सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाती है तो इस पर मिर्जा का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा और ये हवेली सरकार के नाम कर दी जाएगी। अब यहीं पर कहानी में एक दूसरा मोड़ आता है। अभी तक हवेली के लिए बांके और मिर्जा ही लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई में लालच आ गया है। एक तरफ मिर्जा सोचता है कि वो हवेली को बेचकर लाखों कमा सकता है, तो वहीं बांके सोचता है कि अगर हवेली को आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित कर दिया जाए तो इसके नाम पर सरकार से अच्छा खासा मुआवजा ऐंठा जा सकता है। मतलब लालच दोनों तरफ से जोरदार है, पैसों की भूख दोनों तरफ से देखी जा सकती है। लेकिन फिर गुलाबों सितारों फिल्म में एक नया और खूबसूरत मोड़ आता है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिर्जा इसको बेच भी नहीं पाता है और उधर बांके इसको आर्कियोलॉजिकल साइट भी घोषित नहीं करवा पाता है। मतलब साफ है कि इन दोनों की लड़ाई में बाजी कोई तीसरा ही मार जाता है। मतलब ये दोनों न घर के रह जाते हैं न घाट के। जैसा कहा जाता है कि लालच बुरी बात होती है। अब बाजी कौन मारता है, इन दोनों की लड़ाई में फायदा किसका होता है, ये तो आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिल्म के बारे में क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्या राय है उनकी, वो भी जान लेते हैं। NDTV ने फिल्म गुलाबों सितारों को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं। इसमें 2 स्तंभों को दिखाया गया है, एक 78 साल के मिर्जा का जो कि अमिताभ बच्चन ने प्ले किया, और दूसरा किरायेदार बांके का। दोनों ही अपने रोल में बखूबी जम रहे हैं। फिल्म में मस्ती के साथ साथ दोनों के बीच काफी अच्छी नोकझोंक दिखाई गई है। डायरेक्टर सुजीत सरकार ने हंसी मजाक के लेवल को बहुत ही हाई रखा। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये कहानी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। वहीं न्यूज 18 इंडिया ने फिल्म गुलाबों सितारों को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी। मिर्जा किरदार में अमिताभ बच्चन दर्शकों का दिल जीत लेते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बांके के किरदार में आयुष्मान भी कम नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक फिल्म में सुजीत सरकार ने वाइड लेंस का प्रयोग करके मिर्जा गालिब और बांके के साथ साथ अन्य किरदारों के साथ न्याय किया है। हवेली को लेकर मिर्जा और बांके के बीच की लड़ाई जो कि टॉम एंड जेरी की तरह दिखाई गई है, काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वहीं राइटर जूही चतुर्वेदी ने लखनवी जुबान का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। तो दूसरी ओर टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुलाबों सितारों को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी है। फिल्म के डायलॉग और स्क्रीन प्ले के लिए फिल्म की राइटर जूही चतुर्वेदी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस फिल्म में काफी कमाल का काम किया है। फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार ने जिनके पास है और जिनके पास नहीं है इस मुद्दे को लेकर काफी अच्छा कटाक्ष इस फिल्म के माध्यम से किया। तो ये रहे फिल्म से जुड़े हुए कुछ रिव्यू, और अंत में मैं अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर इस फिल्म को 4 स्टार देता हूँ, क्योंकि ये फिल्म काफी आपको हंसाती है, गुदगुदाती है और कहीं कहीं पर आपको भावुक भी करती है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री काफी जम रही है।
फिल्म में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की। अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो फिल्म गुलाबो सितारो आपके लिए अच्छा विकल्प है। तो ये था फिल्म गुलाबो सितारो का रिव्यू और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।